झुंझुनू के नवलगढ़ में पणिहारी होटल के पास शुक्रवार दोपहर को स्विफ्ट गाड़ी व ऑटो की भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों में सवार एक बच्चे सहित 6 लोग हुए घायल। तीनों घायलों को गंभीर हालत में सीकर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार ऑटो चालक मुकनगढ़ निवासी विजेंद्र कुमार मुकनगढ़ की तरफ से अपना ऑटो लेकर जा रहा था। इसमें जाड़ेवा निवासी रजनी पत्नी रामचंद्र मेघवाल व उसका 2 वर्षीय बेटा भी सवार था। उधर सूरजगढ़ से एक स्विफ्ट कार आ रही थी जो सीकर की तरफ जा रही थी। इस कार में सूरजगढ़ निवासी धर्मवीर पुत्र सुरेंद्र निवासी सूरजगढ़, सुरेंद्र पुत्र तरजन जाट निवासी सूरजगढ़ व विकास पुत्र रामचंद्र निवासी चिड़ावा सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान स्विफ्ट गाड़ी का टायर फट गया और गाड़ी पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई। गाड़ी डिवाइडर से टकरा कर दूसरी लाइन में चल रहे ऑटो से जा टकराई। हादसे में गाड़ी व ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ियों में सवार सभी लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद रजनी विजेंद्र व सुरेंद्र को सीकर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने हादसे की जानकारी जुटाई है।